हालेलुया। तो प्रेरित जी, जिस सिस्टर बता रहे कि 5 साल से इनके सिर के पूरे घेरे में दर्द रहती थी, जब भी ये मेडिसिन खाते थे फिर भी अच्छे नहीं तो होते, और जब बताते कि मेडिसिन खा लूँ चाहे ना खा लूँ, जो दर्द ऐसे बनी रहती थी और डेली ऐसे दर्द रहती थी, और जैसे अभी जब बता रहे कि जैसे प्रभु के दास के मुख से जो वर्ड आया, मैं सिर के रोगों से, सिर की में ये इस पूरे घेरे घेरे सिर के जो घेरा है पूरा सिर का, जो उससे आपको दर्द रहती है, घेरे पूरे सिर का ये घेरा जैसे है, मैं आपको उस दर्द से आपकी दर्द को जाते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर आत्मा को शुर और आप आजाद हो रहे हो। आपके सिर के घेरे घेरे ये दर्द रहती है और आप बहुत परेशान हो, पर आज अपना बोझ उसे दो। मैंने कहा आप सिस्टर हो, आपके पूरे सिर के घेरे घेरे ये माथे के साइड पूरे सिर में, ये सिर के खोपड़ी में नहीं, ये पूरे ऐसे घेरे में, और आप परमेश्वर का आत्मा आपको शुर है, बस आप अपना बोझ उसे दो। आप अपनी गवाही से आने वाले, मैंने कहा आप अपनी गवाही से आने वाले यीशु मसीह के नाम से, मैंने कहा आप अपनी गवाही से आने वाले यीशु मसीह के नाम से। यस, रिसीव करो। जिस सिस्टर ने रिसीव किया और चेक किया, अभी जब बता रही कि बिल्कुल उस दर्द से जी टोटली फ्री हो चुके। आमेन। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, हर एक के लिए जब परमेश्वर बोलता आपके अंदर उतना विश्वास नहीं होता कभी कभी। सिर का घेरा समझते हैं, ये वाला है, ये ही चीज ना, ये वाली, ये इसे घेरा बोलते हैं, ध्यान में देखो, ये वाला नहीं, ये तो माथा है, ये इसके माथे के ऊपर ऊपर ये वाला घेरा कितने समय थे है? नहीं, माइक में 5 साल से मेरे दर्द ऐसी रहती थी, और मैं कभी कभी इंजेक्शन भी लगाती थी, कभी कभी मतलब कि रात को जैसे दुपट्टा बांधना सिर के ऊपर, और ये लगातार होती रहती थी। जी जी जी, कम होती नहीं है, ये कम होती नहीं। देखो परमेश्वर कितना महान है, जो आपके मन की बातों को भी वो जानता है, आपके हृदय में क्या है वो उसे पता है। जी अभी अभी मैं फ्री हुई इस दर्द से, अभी अभी तुरंत। तारीफ करो उस परमेश्वर की छोर से। हमें जानते ने तूफान जदो यीशु बोलता, हमें जानते ने तूफान जदो यीशु बोलता।